हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी माय चैनल डैफोडिल्स ग्रीन ड्रीम्स। राधे श्याम सभी को। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना और अपने गार्डन का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे लालजू प्रिया जो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, तो उनकी वीडियोस कोई भी अपडेट मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वो मम्मा के साथ गए हैं और मैं यहीं पर हूँ लुधियाना पंजाब में। वो हमारे लालजू प्रिया जो आउट ऑफ स्टेशन गए, कब आएंगे पता नहीं है, उनकी मर्ज़ी है जब आएंगे। तो तब तक के लिए हम अपना गार्डनिंग का दिखा देता हूँ मैं आपको कि मैंने कुछ शुरू किया है थोड़ा सा फिर से अगेन। तो ये मेरा जेड प्लांट, ये देखिए, ये मैंने बॉन्साई बनाया था बट इसकी कटिंग नहीं करी, काफ़ी एक साल ही हो गए, दो साल हो गए शायद मैंने इसकी कटिंग नहीं की, इसलिए ये सारा भर गया। बट सुंदर है ये देखिए, इस तरह की राउंड टाइप टेराकोटा की ट्रे में लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर प्लांट है ये। डेकोरेशन तो कुछ नहीं है, ये देखिए, ये वाली मेरी ग्रीन ग्रास, ये आई थिंक 35 mm की है, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है, काफ़ी ईयर हो गए इसको खरीदे हुए, मैंने 4 या 5 साल हो गए। इसका दोस्तों 10 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये, देखिए बिल्कुल न्यू लगती है अभी भी। तो देखिए थोड़ा सा सेटअप मैंने बनाया हुआ है, कुछ नहीं रखा, सिर्फ थोड़े से प्लांट्स रखे हुए हैं, तैयारियाँ कर रहा हूँ बस, जल्दी से ही एक सुंदर से गार्डन लेकर आऊँगा आपके पास। हाथ मेरे प्राचीता के प्लांट्स, ये मैंने खुद ही उगाए थे बीच से, ये देखिए, और उग गए काफ़ी सुंदर सुंदर ये दोस्तों, काफ़ी मतलब धूप वाले प्लांट्स हैं जो, तो इनको आप धूप में रखिए। ये मेरा कलनचुई देसी कैलनकोई, वही टर्टल वाइन, इनकी तो अपने आप ही ग्रोथ बढ़ने लगती है, शुरू हो जाती है, तो आप ऐसे के प्लांट्स भी लगा सकते हैं। ये तो हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है, ये मेरा साइकिल प्लांटर है, इसमें लगा रखे हैं साइकिल स्टैंड में। और ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत सा एक फूल खिला है, ये देखिए बहुत ही सुंदर, सुबह से ये मक्खी इस पर बैठी हुई है, तो मुझे बहुत सुंदर लगा दोस्तों। काफ़ी दिनों से ये बल्ब बना रहा था, फूल बना रहा था, मतलब कली सी बना रहा था लेकिन फूल नहीं खिल पा रहा था, आज खिला है, बहुत ही सुंदर। अभी ये पूरी तरह से नहीं खिला है, आई थिंक ये एशियाटिक लिली है, मुझे एग्जैक्ट नहीं इसका नेम नहीं पता, बट बहुत सुंदर है। तो अभी कुछ ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगाए हैं, सिर्फ यही कुछ हैं जो मैंने सेट करके रखे हैं, बाकी सभी दूसरी साइड रखे हुए हैं, वो भी सेटिंग नहीं की, सेटिंग करके फिर मैं आपको दिखाऊँगा, एक अच्छा सा ओवरव्यू लेकर आऊँगा। देखिए दोस्तों, ये भी लिली के प्लांट्स हैं, इनमें भी कलियां बनी हुई हैं, ये देखिए सेम एज इट इज़ आपस। तो अभी कोई ज़्यादा गार्डनिंग में वर्क नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया है, बस दोस्तों गार्डनिंग का ही काम है, वही करना है। फिर एक सुंदर सा गार्डन का ओवरव्यू लेकर आऊँगा मैं, जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगा। ये इंडोर प्लांट है, अभी हमारे लुधियाना में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, खैर मैं रोज़ इनको वाटरिंग कर देता हूँ तो ये धूप में रह लेते हैं, लेकिन अब जल्दी हमें ग्रीन नेट भी लगानी पड़ेगी, तो फिर जब लगाऊंगा तो उसकी वीडियो मैं अलग से शेयर कर दूँगा आपके साथ। सब्जियों की भी मैंने इस बार प्लांटिंग कर ली है, इस बार मैं सब्जियां भी लगाऊंगा मैं सोच रहा हूं, तो मैंने काफ़ी सब्जियां उगा भी रखी है नीचे, टमाटर, टमेटो और बेंजल वगैरह सब कुछ उगा रखा है मैंने, जो हमारे नीचे वाला गार्डन है उसमें। तो बस दोस्तों, विंटर की तैयारी है, सॉरी समर की तैयारियाँ हैं ज़ोर शोरों से, तो एक अच्छा सा ओवरव्यू लेकर आऊँगा मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप और अपने गार्डन का, अपने लालजू और प्रियाजू का ख्याल रखिए। लालजू की शॉर्ट्स मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ, आशा है कि आपको अच्छा लगे। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे श्याम सभी को, जय श्री राधे एंड हैप्पी गार्डनिंग।